मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने शहरों में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की ओर से खुद सीएम शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, जबकि कांग्रेस के लिए कमलनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। इस चरण में 133 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना नगर निगम में पहले चरण में चुनाव होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी प्रचार मैदान में कूद चुके हैं। उन्होंने 22 जून से ही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। सीएम शिवराज सिंह 30 जून तक यानी 9 दिन में पहले चरण में जिन नगर निगमों में चुनाव होने हैं वहां उनकी चुनावी सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 24 जून से रोज हर एक शहर जाकर प्रचार कर रहे हैं। शहरों में बीजेपी के लिए माहौल बनाने में सीएम शिवराज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वो पहले चरण के 11 नगर निगम समेत 16 में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए जा चुके हैं, तो वहीं शहर में अलग अलग चुनावी सभाएं लगातार जारी रहेंगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिन में 3-3 शहरों में पहुंच रहे हैं। 6 शहरों में रोड शो भी कर चुके हैं। उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह ने इन शहरों पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। वो 2 बार उज्जैन भी जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 सभाएं की। वही 29 जून को ही 3 अलग अलग क्षेत्रों आगर रोड, भैरव नाला, गणेश चौक और जयसिंहपुरा पे सभाएं की। वहीं ग्वालियर में एक ही दिन में 3 सभाएं, जहां पिंटो पार्क, इंटक मैदान और गोल पहाड़िया में सभा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 24 जून को सिंगरौली से आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान शुरू किया था, और अब तक सिंगरौली सहित 6 नगर निगमों में जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने अब तक सागर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में चुनावी सभाएं की हैं, तो वहीं सागर और जबलपुर में रोड शो भी किया है। 30 जून को ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जाकर रोटरी क्लब, कोचिंग एसोसिएशन, व्यापारी प्रकोष्ठ और अधिवक्ताओं से भी चर्चा की। खास बात यह है कि कमलनाथ चुनावी सभाओं के अलावा प्रबुद्ध जनों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से भी चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। देखिए, एक मुख्यमंत्री 15 महीना के लिए आए थे, वो हमेशा एक बात कहते रहते थे, कोई विकास के लिए पैसा उनसे मांगे तो वो कहते थे मैं क्या करूं, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा नहीं हुआ, लुटेरा हो गया। शिवराज सिंह जी तो आ गए, खड़े हो गए, 18 साल का हिसाब दिखा दे, मैं 15 महीनों का हिसाब देने को तैयार हूं।